ए बी और सी ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 2:2:1। इनमें से जो सी है उसकी डेथ हो गई ऑन 1 July 2023। जिस दिन सी की डेथ हुई उस दिन इनके कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस कुछ इस तरह से थे, ए का 74,000, बी का ₹63,750 और सी का ₹42,250। अब ए और बी ने अपना बिजनेस कंटिन्यू किया और सी का अकाउंट सेटल करे बिना अगले 6 months तक अपना बिजनेस चलाते रहे और 31 December 2023 को इनकी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया ₹20,500। अब हमसे पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन में कि बताइए कि अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सी के एग्जीक्यूटर के पास कौन से दो ऑप्शंस हैं अवेलेबल, ठीक है, अपना इस प्रॉफिट में हिस्सा मांगने के, ठीक है बच्चों, और वह किस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सी के पास दो ऑप्शन हैं, या तो सी के पास तो नहीं, सी के एग्जीक्यूटर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इंटरेस्ट ऑन लोन ले लें एट द रेट 6% पर एनम फॉर दीज 6 months, या फिर वो प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लें इस ₹20,500 में उनका हिस्सा कितना बनता है उतना ले लें, जो ज़्यादा होगा वो उनको दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दोनों ऑप्शन के तहत निकाल के देख लेते हैं कि क्या क्या अमाउंट आ रहे हैं, उनमें से जो ज़्यादा होगा वो ले लेगा सी के एग्जीक्यूटर मतलब। तो सी का जो बैलेंस था 42,250 था, इस पर 6% पर एनम के हिसाब से 6 months का आप इंटरेस्ट निकालिए, ये हो जाएगा 1, 2, 2, 3 और ये इस काटेंगे तो 4 × 2.5 × 3 करेंगे तो 12,675 डिवाइड बाय 10 करिए तो आएगा 1267.50 या मान लीजिए 1268। तो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट ऑन लोन तो निकल के आ रहा है ₹1267.50। बच्चों सेकेंड ऑप्शन के तौर पे उसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया जाना है, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इस तरह से निकाला जाएगा 20,500 जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग दिस 6 months इनटू जितना सी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था ऑन फर्स्ट जुलाई डिवाइड बाय ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल या सी का जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उन तीनों का सम, जो कि 74,000 प्लस 63,750 और 42,250, इन तीनों को जोड़ के जो आएगा वो 1,80,000 है बच्चों। अब इसको इससे काटिए, ये कट गए बच्चों, ठीक है बच्चों, 205 × 4225 डिवाइड बाय 180 करिएगा तो बच्चों ये आएगा आंसर 4811.80 है, जिसे आप लिख सकते हैं 4812। इतना अमाउंट आएगा बच्चों जो उसको प्रॉफिट के तौर पे दिया जाएगा, क्लियर बच्चों, राउंड ऑफ करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कैलकुलेट करना बट कर लीजिएगा बच्चों, करना पड़ेगा ही, है ना बच्चों, दैट्स वाई। तो आप देख सकते हैं उसका जो लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन था वो तो कम अमाउंट था इसके मुकाबले काफ़ी, है ना बच्चों, 1267.50 ही था केवल और ये 4812 आ रहा है 4812। तो अंडरस्टूड है सी जो है या सी के जो एग्जीक्यूटर्स हैं उन वो इसी चीज़ को लेंगे बिकॉज ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट ऑन हिज लोन, ठीक है बच्चों, आगे बात समझे मेरी। तो फाइनली जो सी के एग्जीक्यूटर लेंगे एक्सरसाइज करेंगे टेक ओवर करने के लिए अपना राइट, वो इस प्रॉफिट को टेक ओवर करेंगे लेंगे इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, क्लियर बच्चों।